Hello students, hope you all are fit and fine at home. Today we are back with the new contents of chapter, Heredity and Evolution. In the previous video, we read about what do you mean by heredity? What do you mean by evolution? Various key terms that are used in by the mandal in their crosses. Now, before reading about the various type of cross, we must know what the mandal has done. साइंटिस्ट रहे हैं बेटा जिन्होंने पी प्लांट को को एक्सप्लेन करने के लिए यूज किया था ठीक है पी प्लांट पी का जो साइंटिफिक नेम है उसको पाइजन सटाइवम कहते हैं ठीक है ठीके? क्यों चूज करा था उन्होंने पी प्लांट easy availability of detectable contrasting traits of several characters ki jo pea plant tha usme bahut sare contrasting characters the jo easily available the detectable the jinko hum identify kar sakte the isliye unhone pea plant ko choose kiya tha flower आपके सेल्फ फर्टिलाइजेशन भी अलाउ करते थे और क्रॉस फर्टिलाइजेशन भी उन्हें, uh, possible था इसलिए पी प्लांट choose किया गया था एनवल नेचर ऑफ द प्लांट की वजह से चूज किया गया था और बहुत सारी सीड्स एक समय में बन सकती थी इसलिए मंडल ने पी प्लांट चूज किया था लेस केयर की जरूरत थी ब्रीडिंग के समय पर गार्डन पी प्लांट कोड इजिली भी रेस मेंटेन और हैंडल करना आसान था उनको में आसान था कम केयर की जरूरत थी एक ब्रेडिंग के वक्त थोड़ा ज्यादा समय लगता था ज्यादा केयर की जरूरत थी लेकिन वैसे जब उनको गुण कराया जाता था क्योंकि वो कम समय लेते हैं शॉर्ट लाइफ साइकिल होती है इजिली ग्रो हो जाते हैं इसलिए पी प्लांट को चूज किया गया ठीक है जैसा था मैंडल चूज द पी प्लांट कंट्रास्टिंग कैरेक्टर जो मेंडल ने कंसीडर कर रहे थे जो सेवन कंट्रास्टिंग कैरेक्टर प्री प्लांट में मिले मेंडल को पहला सीड शेप सीड शेप राउंड और रेंकल सीड कलर येलो और ग्रीन पॉट शेप इन्फ्लेटेड कंस्ट्रक्टेड पॉट कलर ग्रीन येलो फ्लावर कलर पर्पल वाइट फ्लावर लोकेशन एक्सियल टर्मिनल एक्सियल होती है साइड में टर्मिनल बिल्कुल सीधा टॉल ड्राफ ड्राफ मतलब हाइट में छोटा रह जाना इनके लिए वेरियस जीनो टाइप्स यूज किए जाते हैं जैसे राउंड के लिए हम कैपिटल आर कैपिटल आर लेते हैं रिंकल के लिए स्मॉल आर स्मॉल आर येलो के लिए कैपिटल वाई कैपिटल वाई ग्रीन के लिए स्मॉल वाई स्मॉल वाई इनफ्लेटेड के लिए आई आई कैपिटल कॉन्स्ट्रक्टेड के लिए स्मॉल आई आई पी भी ले सकते हैं यहाँ पे ग्रीन के लिए जी कैपिटल जी कैपिटल जी स्मॉल जी स्मॉल जी पर्पल के लिए कैपिटल डब्लू कैपिटल डब्लू व्हाइट के लिए स्मॉल डब्लू स्मॉल W, ठीक है टॉल के लिए डबल टी कैपिटल शॉर्ट के लिए डबल टी स्मॉल इस तरह से उन्होंने सेवन कंट्रास्टिंग करेक्टर की वजह से पी प्लांट को चूज किया था ठीक है अब दो तरह के क्रॉसेस बताए गए हैं जिनको जो बेसिक है मैंडल्स क्रॉस का फर्स्ट है टेस्ट क्रॉस टेस्ट क्रॉस का मतलब क्या होता है ये इट इज क्रॉस बिटवीन एन ऑर्गेनिज्म ऑफ अननोन जेनोटाइप एंड होमोजाइगस रिसेसिव एक जेनोटाइप जो हमें पता नहीं है उसके बीच में और होमोजाइगस रिसेसिव ऑर्गेनिज्म के बीच में जो क्रॉस कराया जाता है उसको टेस्ट क्रॉस कहते हैं बेटा सेम ट्रेट होते हैं बट इट इज कैरिड बाय सेक्सेस अपोजिट टू दो इन क्रॉस जो ओरिजिनल उसके अपोजिट हम से लेते हैं टाइप्स ऑफ क्रॉप्स मोनोहाइब्रिड डाई हाइब्रिड मोनोहाइब्रिड होता है वन वेजिबल कंट्रास्टिंग कैरेक्टर डायहाइब्रिड का मतलब होता है टू वेजिबल कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स मैंडल एक्सपेरिमेंट टेक्निक क्या थी पहला फर्स्ट पॉइंट था सिलेक्शन ऑफ प्योर पी प्लांट एक प्योर पी प्लांट सेलेक्ट करा था उन्होंने ठीक है फिर प्रोडक्शन ऑफ फर्स्ट जनरेशन ऑफ प्लांट बाय क्रॉस ब्रीडिंग यहाँ पे क्रॉस ब्रीडिंग कराई गई बेटे यहाँ पर प्लांट को क्या किया गया पहले इमेस्कुलेट किया जाए जिससे कि वो सेल्फ फर्टिलाइज ना हो आपको फ्लावर के स्ट्रक्चर में आपने पढ़ा था एक ही प्लांट के उसके अंदर जो बायसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं तो जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है और मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है वो एक ही में होता है ठीक है ना क्रॉस ब्रीडिंग के वक्त ये ध्यान रखना कि वो आपस में क्या ना कर जाए सेल्फ फर्टिलाइज ना कर दिया जाए तो वहां पर पहले जब तक फीमेल मैच्योर होता है उससे पहले एंथर को रिमूव कर दिया जाता है और उस फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को कवर कर दिया जाता है जिससे कि कोई भी अदर पॉलिग्रेन पर आकर स्टिक ना हो जाए उसको इमेस्क्यूलेशन बोलते हैं ठीक है और जब फीमेल प्रोडक्टिव पार्ट मच्योर हो जाता है तो डिजायर के साथ उसको ब्रीड कराया जाता है उसे क्रॉस कहते हैं ठीक है फिर रेजिंग ऑफ सेकेंड एंड सबसे जनरेशन बाय सेल्फ फर्टिलाइजेशन जो सेकेंड जनरेशन है वो सेल्फ फर्टिलाइजेशन से है ठीक है तो ये थ्री स्टेप्स या थ्री टेक्निक थी जो मैंडल ने अडोप्ट करी थी फॉर शोइंग द वेरियस इनहराटेंस मैंडल फर्स्ट लॉ ऑफ इनहेरिटेंस और मोनोहाइब्रिड क्रॉस और लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीकेशन जो मैंडल का फर्स्ट लॉ है इनहेरिटेंस को उसको हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस भी कहते हैं और इससे हम लॉ ऑफ डोमिनेंस और सेग्रीकेशन को एक्सप्लेन भी कर सकते हैं क्या था मैंडल का फर्स्ट लॉ उन्होंने टॉल प्लांट लिए थे बेटा जो टॉल प्लांट लिए थे वहां पर टॉल प्लांट के लिए जो आपकी की यूज की गई वो क्या यूज करी गई डबल टी जिनो टाइप जो यूज किए गए वो क्या यूज किए गए डबल टी यूज किए गया और जो ड्राफ के लिए जो यूज किया गया वो स्मॉल टी आप देख सकते हैं यहां पर ये क्या है डबल टी है ठीक है यहाँ पर ये स्मॉल टी है ये पैरेंटल जीनोटाइप हो गया इनसे गैमीट बना टी आया कैपिटल टी आया और यहां से क्या आया स्मॉल टी आया अब यहाँ पे क्रॉस फर्टिलाइजेशन हो गया क्रॉस फर्टिलाइजेशन हो गया तो यहाँ पर क्या आ गया ये एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी ठीक है जब एक कैपिटल टी आ जाता है एक स्मॉल टी आ जाता है ये रहेगा टॉल क्योंकि डोमिनेंट हो गया लेकिन ये हाइब्रिड होगा क्या होगा हाइब्रिड और आप इसको क्या कहेंगे हंड्रेड परसेंट टॉल कहेंगे और ये F1 हो गई यानी कि हंड्रेड परसेंट टॉल प्लांट्स होते हैं जो यहाँ का फेनोटिपिक और जेनोटिपिक रेशियो दोनों है जेनोटिपिक भी आपका टीटी रहेगा और फेनोटिपिक भी जो एक्सटर्नल अपियरेंस रहेगी वो हाइब्रिड टॉल होगा इसलिए ये हंड्रेड परसेंट टॉल हुआ और ये यहाँ का फेनोटिपिक और जीनोटेपिक फिर सेल्फ सेकेंड स्टेप आ गया पहले तो सिलेक्शन करा उसके बाद हो गई अब सेल्फ फर्टिलाइजेशन हुआ यहाँ पर सेपरेट कर गए कैपिटल टी स्मॉल टी से सेपरेट होकर के जो जिनोटाइप गैमिट बना हमारा वो बना कैपिटल टी और स्मॉल टी ठीक है कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी था लिखा आपने इस टी को इस टी के साथ मैच करा कैपिटल टी कैपिटल टी यहां से इस स्टेट को इस टी के साथ मैच करा टी टी एक कैपिटल एक स्मॉल यहां भी एक कैपिटल एक स्मॉल और यहां पर दोनों के आ गए स्मॉल इसको प्यूनेट स्क्वायर बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं प्यूनेट स्क्वायर बोलते हैं और ये एफ टू जनरेशन है ठीक है ये देखिए ये कैपिटल टी कैपिटल टी है ये प्योर टॉल हो गया ये क्या हो गया प्योर टॉल ये हाइब्रिड ये क्या हो गया हाइब्रिड हो गया ये भी हाइब्रिड टॉल हो गया ठीक है और ये प्योर ड्राफ हो गया ये क्या हो गया प्योर ड्वाफ। ये आप देख सकते हैं जो फर्स्ट जनरेशन के पेरेंट्स थे वो यहाँ पर अपीयर कर गए ये सिर्फ किसकी वजह से हुआ क्रोसेस की वजह से हुआ तो यहाँ पर जो ये प्योर टॉल हाइब्रिड टॉल और प्योर ड्राफ आया इसका जो रेशियो आया वो आया वन रेशियो टू रेशियो वन क्या आया वन रेशियो टू रेशियो वन ये रेशियो है लेकिन अगर आप एक्सटर्नल अपियरेंस देखेंगे तो ये भी टॉल है ये भी टॉल है ये भी टॉल है, है तो ये क्या हो जाएगा थ्री रेशियो वन यानी सेवेंटी फाइव परसेंट टॉल हुआ और ट्वेंटी फाइव परसेंट क्या हुआ ड्राफ हुआ बेटा जब एग्जाम में आएगा तो ये आपको पूरा लिखना होगा क्रॉस करके दिखाना होता है क्रॉस करने के बाद आपको यहाँ पर ये और जीनोटिपिक रेशियो जरूर लिखना होता है क्योंकि इसका भी हाफ मार्क होता है तो जीनोटिपिक रेशियो जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में आता है वो वन रेशियो टू रेशियो वन आता है और फेनोटेपिक रेशियो क्या आता है थ्री रेशियो वन आता है तो हमने इस इस क्रॉस क्रॉस ने क्या एक्सप्लेन करा? से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस। मैंडल लॉ ऑफ डोमिनेंस ने क्या स्टेट करते हैं वेन पेरेंट्स विद प्योर कंट्रास्टिंग ट्रेड आर क्रॉस टूगेदर ओनली वन फॉर्म ऑफ ट्रेड एपियस इन द नेक्स्ट जनरेशन the one which is expressed in the f1 generation is called a dominant trait and the one which is suppressed is called a recessive trait yani ki jo apne aap ko express kar paya wo dominating ho gaya aur jo nahi kar paya wo recessive trait ho gaya ye to hua law of dominance law of segregation when an organism makes gametes each gamete receives just one gene copy which is selected randomly this is known as law of segregation ye कहलाता है है कहला है है जब बनाता है, तो जो रिसीव करता है, वो एक कॉपी को रिसीव करता है जो होती है जो होती इसी को law of segregation कहते तो, law of को कहते हैं तो के हम और लॉ ऑफ को क्या कर सकते हैं एक्सप्लेन कर सकते हैं इस वीडियो में हमने क्या पढ़ा कंट्रास्टिंग कैरेक्टर टेकन बाय द मैंडल एंड द मोनोहाइब्रिड क्रॉस Hope you understood this video. Thank you.